पाकिस्तान के लिए मस्ट विन मुकाबले में मोहम्मद रिजवान का अर्धशतक आया और इस अर्धशतक के साथ कुछ रिकॉर्ड्स भी आए, कुछ चाहे रिकॉर्ड्स कुछ अनचाहे रिकॉर्ड्स अब बन चुके हैं। ये मोहम्मद रिजवान के नाम आ चुके हैं और ये शायद ही भविष्य में टूट पाएंगे। दरअसल पाकिस्तान और कनाडा के साथ डू और डाई मुकाबला था जिसे पाकिस्तान की टीम ने 7 विकेटों से जीत लिया। इसमें मोहम्मद रिजवान ने 53 गेंदों में 53 रन बनाए यानी कि अर्धशतकीय पारी खेली और इसी के साथ उन्होंने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को पछाड़ दिया है। अब मोहम्मद रिजवान के T20 में बतौर ओपनर 30 अर्धशतक हो चुके हैं 71 इनिंग में, जो कि रोहित शर्मा के भी 30 हैं, पर 118 इनिंग में उन्होंने रोहित शर्मा को इस मामले में पीछे कर दिया है। बाबर आजम ने 28 अर्धशतक बनाए हैं 84 इनिंग्स में, डेविड वार्नर के नाम 27 अर्धशतक हैं 98 इनिंग्स में। ये बतौर ओपनर की मैं बात कर रहा हूं, यानी कि अब ये जो रिकॉर्ड है मोहम्मद रिजवान ने 71 पारियों में 30 अर्धशतक जड़ के सबसे ऊपर लिस्ट में ये पहुंच चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान के लिए T20 वर्ल्ड कप में जो सबसे ज़्यादा 50 बनाने का रिकॉर्ड है उसमें बाबर आजम की बराबरी कर ली। बाबर आजम नंबर 1 पर है, मोहम्मद रिजवान नंबर 2 पर, शोएब मलिक नंबर 3 पर और कामरान अकमल 4, उमर अकमल नंबर 5 पर हैं जिन्होंने 3 अर्धशतक बनाए हैं और इसी के साथ बाबर आजम और रिजवान के 5-5 अर्धशतक T20 विश्व कप में हैं। अब एक अनचाहा रिकॉर्ड है, वो है स्लोवेस्ट 50 इन T20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री, यानी कि सबसे स्लो T20 विश्व कप में अर्धशतक गेंद के हिसाब से अगर किसी ने जड़ा है तो वो है मोहम्मद रिजवान। 52 गेंदें उन्होंने ली अपने अर्धशतक को पहुंचने में कनाडा के सामने। इससे पहले इसी साल डेविड मिलर ने नीदरलैंड के सामने 50 गेंदें ली थी, हालांकि वो भी लो स्कोरिंग मुकाबला था जैसा कि आज का था। इससे पहले डेवॉन स्मिथ ने 49 गेंदें ली थी बांग्लादेश के सामने। डेविड हसी जो ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते थे उन्होंने भी 49 गेंदें 2010 में ली थी और अब बाबर आजम ने 52 गेंदों में अर्धशतक जड़कर पाकिस्तान को जीत की राह दिखाई है। पहला मुकाबला पाकिस्तान जीती है इस विश्व कप में भारत और USA से हारने के बाद। अब सुपर 8 में पहुंचने के लिए उन्हें अगला मुकाबला भी जीतना होगा और उम्मीद करनी होगी कि USA अगला मुकाबला हार जाए। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।